इंदौर में जबरदस्ती खतना करने और धर्म परिवर्तन करने के आरोप में टेलर इलियास कुरैशी के खिलाफ जैन समाज का गुस्सा फूट चुका है। इसको लेकर जैन समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को ज्ञापन सौंपा और आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही बच्चे को फिर से धर्म में वापस लाने की मांग की। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के बाड़मेर जिले के सिवाना निवासी अहिंसक जैन समुदाय के व्यक्ति महेश कुमार जैन नाहटा के अवयस्क व मासूम पुत्र मनन जैन व पत्नी प्रार्थना जैन पिछले 5 वर्षों से लापता थे। उसको लेकर जानकारी मिली थी कि वो इंदौर में आदतन अपराधी इलियास कुरैशी के साथ रह रहे हैं। उसके बच्चे का भी खतना करा दिया गया है। वहीं अब इस पर जैन समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर से मुलाकात कर बच्चे की कस्टडी दिलाने की मांग की। समाज के सभी पदाधिकारी लोग कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं। उसका कारण ये है कि एक नाबालिग बच्चे को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया है और उसकी पुलिस ने बहुत जल्दी से उसकी तहकीक कर ली है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हम ये एक विनती लेके आए थे कमिश्नर साहब के पास कि जो नाबालिग बच्चा है 8 साल का, वो वापस उसके परिवार को दिया जाए। ये हमारा पूरा जैन समाज का ये भाव है और इसके लिए हम सब अभी कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं। अब ये जो आदमी है जिसने ये बच्चे का अपहरण किया है, उनकी माँ का अपहरण किया है, उसके पीछे बहुत सारे पहले भी इलीगल केसेस चल रहे हैं और राजस्थान में उसको पकड़ने के लिए भी सब तैयारियां चल रही है। रासुका लगाई जाए और उसको अरेस्ट किया जाए। 3 दिन पूर्व इंदौर के खजराना थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ है और महेश जैन जो जोधपुर के पास शिवाना के निवासी हैं, उनका विवाह साजापुर में हुआ था और विवाह के 4-5 वर्ष तक भी वो लड़की उनके साथ रही, उनका एक बेटा भी हुआ। लेकिन 2018 में साजापुर के एक इलियास खान नाम अहमद व्यक्ति ने उनकी पत्नी से संपर्क किया और उसे डरा कर, धमका कर, जिस भी प्रकार से उसे बहला फुसला कर अपने यहाँ बुलाया और वो 2018 से उसको लेकर के फरार था। अभी कुछ दिनों पूर्व महेश जैन जी को जब इंदौर में होने की सूचना मिली तो वो इंदौर आए। उन्होंने हमारे समाज के सभी वरिष्ठ लोगों से संपर्क किया। आज समाज का पूरा वरिष्ठ नेतृत्व तो यहाँ पर उपस्थित हैं और विभत्स घटना ये हुई है उसमें कि उस जो इनका बेटा उस समय 2.5 साल का था, अभी 7.5 साल का है और उसके साथ उसका जो सरकमसेशन होता है, जो खतना कर दी गई है, उसका नाम बदल दिया गया है। झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बना के उसका नाम मनन जैन से मन्नान कर दिया गया है। तो इस प्रकार की घटना देश में पहली बार हुई कि धर्मांतरण के साथ किसी का सरकमसेशन किया गया, खतना की गई है। इसी मुद्दे को लेकर के उसके ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ है और आज उसको शायद जेल भी भेजा गया है। हम ये कार्रवाई को और आगे बढ़ाने के लिए कि बच्चे की फिर से घर वापसी हो, धर्म वापसी हो, उसको लेकर के पूरे समाज के लोग आज यहाँ पर आए हैं और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन ने जो सहयोग के आगे भी उनका सहयोग जारी रहेगा तो बच्चा फिर से अपने घर पहुँच सकेगा। और हम ये कार्रवाई और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि उसके ऊपर पूर्व के भी कई आपराधिक मामले हैं तो उसको लेकर के भी हमने प्रशासन से मांग की कि उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई। जैन समाज के लोगों ने आरोपी के घर पर रिमूवल की कार्यवाही करने की भी मांग की ताकि अन्य आपराधिक गतिविधियों के लोगों को भी नसीहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।